तैयार हो जाओ अगले कुछ मिनटों में अपने आंखों की टेस्टिंग करने के लिए। इस वीडियो में आंखों को भ्रम में डालने वाले ऐसे ऐसे तस्वीरों को देखोगे जिनमें छिपे हुए ऑड यानी कि अलग चीज को काफी कम लोग ही ढूंढ पाते हैं। काफी मजेदार होने वाला है। आपको दिखाई गई तस्वीरों में ऑड ऑब्जेक्ट्स को ढूंढना है, यानी कि दिखाई गई तस्वीर में सारी चीजें तो बिल्कुल सेम होगी, पर हर तस्वीर में एक चीज अलग होगा और उसे ही आपको ढूंढना है। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाई जाएगी जिसमें कितने अलग लेटर छिपे हैं ये काफी कम लोग ही बता पाते हैं। एक दो तो दिखी जाएगा, पर टोटल कितने अलग लेटर हैं वो काफी कम लोग बता पाते हैं। वीडियो में टोटल 25 फोटोज हैं और सारे के सारे फोटोज काफी तगड़े हैं और जनरली यानी आमतौर पर 85% लोग यानी 85% लोग उन 25 में से सिर्फ 6 या 7 फोटोज में छिपे हुए ऑड ऑब्जेक्ट यानी अलग चीज को ढूंढ पाते हैं। लेकिन क्या आप उन बचे हुए 15% लोग में आते हैं जिनकी आंखें काफी तेज है, काफी शार्प है आम लोगों के मुकाबले? इसको पता लगाने का एक बेहद ही आसान तरीका है। इस वीडियो में 25 तस्वीरें दिखाई जाएंगी तो आप कोई कॉपी और पेन ले लो या फिर कैसे भी करके ये याद रखना कि आपके पॉइंट्स कितने हुए। मान लो कि आपने कोई तस्वीर देखी और आप उसमें छिपे हुए अलग चीज को ढूंढ लेते हो तो आपको मिलेंगे 1 पॉइंट, यानी कि पूरे वीडियो में जितने अलग चीज को ढूंढ पाओगे आपके उतने पॉइंट्स होंगे। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है अपने पॉइंट्स, जिससे ऑफकोर्स ये पता चलेगा कि आप 85% लोगों में से हो या फिर आपकी आंखें काफी तेज है और आप बचे हुए 15% लोगों में आते हो। नाउ लेट्स बिगिन। ओके, तो शुरुआत होती है यहाँ इन इमोजीज से। ये इमोजी हम लोग काफी कम यूज करते हैं, पर ध्यान से 10 सेकेंड्स के अंदर इन इमोजीज के बीच छिपा हुआ एक अलग इमोजी ढूंढ कर बताओ। स्टार्ट। ओवर। ओके, तो वो अलग इमोजी है ये। बाकी सारे इमोजीज में एक ही बच्चे हैं, पर यहाँ 2 बच्चे हैं। ये था तो काफी आसान, पर फिर भी काफी लोगों का यहाँ पॉइंट नहीं बढ़ा होगा। जल परियों की इन इमोजीज के बीच एक इमोजी अलग है और बिल्कुल पिछले वाले की तरह यहाँ भी आपको 10 सेकेंड्स के अंदर छिपा हुआ अलग इमोजी ढूंढ कर बताना है। शुरू हो जाओ। ओके, तो वो अलग इमोजी है ये और ये शायद काफी लोगों को आराम से दिख ही गया होगा। ओके, तो ये ऑड वन आउट तो नहीं है, पर यहाँ आप अपने आंखों की टेस्टिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ छिपे हुए डिजिट्स यानी अंक को ढूंढना है और अगर आपको वो डिजिट सही से दिख रहे हैं तो कमेंट में बताना कि आपको कौन से डिजिट दिखे। और हाँ, इस पर एक बिल्कुल अलग वीडियो चाहिए जहां आप अपनी आंखों की टेस्टिंग कर सकेंगे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना और शेयर कर देना। कमेंट्स में बताना कौन से डिजिट्स दिखे। डोरेमोन की इन 3 इमेजेस में एक इमेज अलग। आपके पास 15 सेकंड्स का टाइम होगा, आराम से ढूंढो और पता लगाओ कि कौन सा इमेज अलग है इन 3 इमेजेस में। बीच वाले डोरेमोन की आईज देखो, इसकी आंखें बाकी के दोनों डोरेमोन की आंखों से अलग दिख रही है, तो यही है वो अलग डोरेमोन। ये ज्यादा टफ नहीं था, राइट? ओके, तो पिछला वाला आसान था, पर ये नहीं है। ध्यान से देखो और डोरेमोन की इन 3 इमेजेस में एक बार फिर से एक अलग डोरेमोन को ढूंढ कर बताओ 20 सेकेंड्स के अंदर। ओवर। तो वो अलग डोरेमोन मिला। वो अलग डोरेमोन है ये। एक बार फिर से इसकी आंखें देखो और बाकी के डोरेमोन की आंखों को देखो, अंतर दिख जाएगा। मैंने कह दिया था शुरू में कि ये वाला टफ होगा पिछले वाले से, इस वजह से भी काफी लोग घबरा गए होंगे और उन्हें सही आंसर नहीं मिला होगा। दिमागी खेल, यू नो। ये काफी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनना। इस तस्वीर में भी आपको ऑड वन आउट ही ढूंढना है, यानी कि आपको अलग चीज ढूंढना है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपको इस तस्वीर में क्या अलग है, क्या गलत है इस तस्वीर में, ये ढूंढना है। ध्यान से ढूंढना 25 सेकंड्स के अंदर कि आखिर इस तस्वीर में क्या है वो गलत चीज। ध्यान से ढूंढना, स्टार्ट।
ओवर। तो वो अलग चीज ढूंढ पाए। असल में जो ध्यान से ढूंढ रहे होंगे उन्हें ये गिलहरी दिखी गई होगी जो किताब पढ़ रही है। क्या कभी गिलहरी को किताब पढ़ते हुए देखा है? वेल ऑफ कोर्स नहीं। यहाँ काफी लोग फंसे भी होंगे और उनका पॉइंट बड़ा भी नहीं होगा। पिछले वाले तस्वीर की तरह इस तस्वीर में भी आपको क्या गलत है ये ढूंढना है, नॉर्मल से क्या अलग है ये ढूंढना है। इसका लेवल पिछले वाले से थोड़ा इजी होगा। 25 सेकंड्स हैं आपके पास, रेडी। ओवर। तो गाड़ी पानी पर कैसे चल रही है, कौन बताएगा? लोल। पर ब्रो, ट्विस्ट ये है कि यहाँ इसके अलावा भी एक और गलती है जो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं। मिला होगा तो कमेंट में बताना कि क्या दिखा इस तस्वीर में, क्या गड़बड़ है। इसमें एक ही गड़बड़ी है, इसलिए मजे में अच्छे से ढूंढना। आपके पास होंगे 25 सेकंड्स। ज्यादा टाइम के लिए पॉज द वीडियो, स्टार्ट। ओवर। मिला क्या गड़बड़ी भाई? कभी पानी के अंदर मोमबत्ती जलते हुए देखी है क्या? अगर हाँ तो भाई तुम तो पानी में आग लगाने वाले हो यार। कभी पूल गेम खेला है? या फिर वो छोड़ो, मोबाइल पर 8-ball pool तो खेला ही होगा ना। उसमें एंड में जो बॉल को गोल करना पड़ता है वो ब्लैक वाला होता है, राइट? और उस ब्लैक बॉल पर 8 लिखा होता है, तो आपको उन्ही बॉल्स के बीच में छिपा हुआ अलग बॉल ढूंढ कर निकालना है। आपके पास होंगे 15 सेकंड्स, शुरू हो जाओ। सो मिला क्या अलग बॉल? काफी लोगों को यहाँ ये 9 लिखा हुआ बॉल नहीं मिला होगा, पर जिनको मिल गया उनका यहाँ एक पॉइंट बढ़ा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अभी आगे इसी वीडियो में इससे भी ज्यादा काफी मजेदार ऑड वन आउट इमेजेस देखने को मिलेंगे। वीडियो को अभी लाइक कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अब आपको आगे ऑड लेटर को खोज कर निकालना है। ऐसे ऑड वन आउट इमेजेस लोगों को काफी पसंद आते हैं। बहुत सारे एक जैसे लेटर्स के बीच में छिपा रहेगा एक अलग लेटर, उसी को ढूंढना है। शुरुआत होगी इजी से और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाएगा, और सभी के लिए आपको मिलेंगे 15 सेकंड्स। इसमें बहुत सारे के दिख रहे होंगे, इंग्लिश का लेटर के। इसमें एक अलग लेटर छिपा है। अगेन आपके पास है 15 सेकंड्स, ढूंढ कर बताओ वो अलग लेटर। तो वो अलग लेटर है X, और वो यहाँ है। इजी था, राइट? ओके, तो यहाँ काफी सारा ई है, सभी जगह ई ही दिख रहा होगा, पर इसके बीच में एक अलग लेटर है। 15 सेकंड्स हैं आपके पास। तो वो अलग लेटर है F, और वो यहाँ है। ये पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा टफ था, राइट? पॉइंट्स नोट करते रहना। ओके, तो फिलहाल अभी लेटर वाले को थोड़ा रोकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग और अलग है। यहाँ इस तस्वीर में 2 words छिपे हैं, यानी इंग्लिश के 2 शब्द छिपे हैं, जिनमें से एक मैं अभी ही बता देता हूँ। ये देखो, ब्लूम, BLOOM, यानी कि फूलों का खिलना। पर यहाँ एक और वर्ड छिपा है जो मैं अभी बताऊंगा नहीं। आपके पास 10 सेकंड्स होंगे, ढूंढ कर कॉमेंट में बताना दिखा या नहीं, और दिखा तो कौन सा वर्ड दिखा। और अगर छिपा हुआ वर्ड मिल जाए तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना। फिर से आते हैं ऑड लेटर आउट पर। 15 सेकंड्स के अंदर बताओ कि यहां कौन सा अलग लेटर छिपा हुआ है, स्टार्ट। तो तेज आंखों को यहाँ छिपा हुआ ओ दिख ही गया होगा। यहाँ आपको बहुत सारे जी के बीच में छिपा हुआ अलग लेटर ढूंढना है, स्टार्ट।
तो वो अलग लेटर दिखा ही होगा। अब यार ये नहीं ढूंढ पाए फिर तो क्या ही कहने। ये है इस सीरीज का आखिरी वाला, ध्यान से ढूंढना, बाकी सबसे रिलेटिवली इजी है ये। 10 सेकंड्स के अंदर छिपा हुआ अलग डिजिट ढूंढकर बताओ। इसमें डिजिट यानी अंक ढूंढना है, लेटर नहीं। ओके, तो वो अलग डिजिट है 9। काफी लोगों को दिख ही गया होगा, वो भी काफी आराम से। आपका आंख और दिमाग दोनों ही कितना तेज है ये यहाँ पता चलेगा। यहाँ गौर से ढूंढ कर बताओ 15 सेकंड्स के अंदर कि यहाँ आखिर क्या गलत है। आपका दिमाग आपके साथ कैसे खेल खेलता है ये यहाँ पता चलेगा। क्या यहाँ पर द दो बार लिखा हुआ नहीं है, द और द, जबकि होना चाहिए था एक ही बार। लॉल, मजा आया। अब ये बताओ कि यहाँ क्या गलत है। एंड अगेन आपको मिलने वाले हैं 15 सेकेंड्स। मिस्टेक की स्पेलिंग क्या होती है, MISTAKE, राइट। पर यहाँ देखो आई के जगह लिखा हुआ है 1, इसके ऊपर बिंदी नहीं है जो कि आई में होता है। लॉल लॉल लॉल। अब यहाँ ये बताओ एक बार फिर से कि गलती क्या है। ये थोड़ा टफ है इसलिए यहाँ आपको मिलेंगे 25 सेकेंड्स। वैसे पॉइंट याद रखना अपने। मिला गलती 1, 2, 3, 4, 5। ओ वेट, 5 के पहले 6, हाउ इज इट पॉसिबल। आई एम श्योर यहाँ काफी लोगों को मजा आया होगा। ओके, तो अगर अभी तक आपका ज्यादा पॉइंट नहीं भी बढ़ा होगा तो अब बढ़ेगा। आगे आपको अंतिम वाली तस्वीर को देखने के पहले, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, जिसमें आपको छिपा हुआ अलग लेटर ढूंढ कर बताना था, उसको देखने के पहले आपको 3 इमोजीज वाले तस्वीर दिखाए जाएंगे जिसमें आपको छिपे हुए अलग इमोजी को ढूंढ कर निकालना है। पॉइंट बढ़ेगा अगर गौर से ढूंढोगे तो। आपके पास 20 सेकंड्स का टाइम है। इस तस्वीर में काफी सारे एक जैसे दिखने वाले जासूस हैं, छिपा हुआ अलग जासूस ढूंढ कर निकालो। ओके, तो वो अलग जासूस है ये। हाँ, तो ये काफी इजी ही, फिर भी काफी लोगों का यहाँ पॉइंट नहीं बढ़ा होगा। अब इन इमोजीज के बीच छिपा हुआ अलग इमोजी ढूंढ कर बताओ। ध्यान से ढूंढना, मिल जाएगा। तो वो अलग इमोजी है ये, और सिर्फ एक ही नहीं, यहाँ 2 इमोजी अलग है, एक ये भी है। दोनों के हाथों को देखो और बाकी के इमोजीज के हाथों को देखो, पता चल जाएगा। और अब ये काफी इजी है। आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है, छिपा हुआ अलग इमोजी ढूंढ कर निकालो। नहीं ढूंढ पाए, जाओ यार मैं काफी गुस्सा हूँ तुम सभी से, बिल्कुल इसी इमोजी की तरह। और अब बारी आती है उस तस्वीर की जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। यहाँ इस तस्वीर में एक्स तो दिख ही रहा होगा, पर इसमें एक्स के अलावा भी 3 अलग लेटर छिपा हुआ है और आपको उसी को तो स्पॉट करना है। ओके, एक बता देता हूँ, ये देखो ये है वाई जो छिपा हुआ है सारे एक्स के बीच में। अब 3 में से एक लेटर का नाम तो मैंने अभी बता दिया, पर अब नहीं बताऊंगा नहीं तो मजा खराब हो जाएगा। एंड ऑफकोर्स बाकी के जो बचे हुए दोनों लेटर्स
हैं वो वाई तो नहीं है। तो इसी तरह एक्स के बीच में दो और अलग छिपे हुए लेटर को ढूंढना है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी। वीडियो पॉज करके ढूंढना वो दो अलग लेटर और लेटर का नाम कौन सा है कॉमेंट में बताना। देखते हैं, ध्यान रखना वाई मत बता देना क्योंकि वो तो मैंने अभी बता ही दिया। नजर काफी तेज रखनी होती है। तो दोस्त क्या रहा आपका स्कोर, कितने पॉइंट्स हुए आपके, कमेंट करके सच्ची वाला पॉइंट बताइएगा जरूर। इस वीडियो में बस इतना ही, इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपना स्कोर बता सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर याद से कर देना ब्रो।